वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेकेंड की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रेशम का लेसन 5, जिसका नाम है अपना काम स्वयं करें। बच्चों, इस लेसन में एक कहानी दी गई है जो हमें यह संदेश देती है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए। आइए पढ़ते हैं कहानी को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भारत के एक यशस्वी व्यक्ति थे। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के हैं वो भारत के एक महान व्यक्ति थे, यशस्वी व्यक्ति थे। विद्वता में उनका कोई सानी नहीं था। विद्वता मतलब विद्वान, मतलब वो इतने ज्ञानी थे कि उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। विद्वान होने के साथ साथ वे बड़े सरल और उदार मना व्यक्ति थे। जो भी उनके पास वर्धमान आता वे उसकी तन मन से सहायता करने को तत्पर रहते। बच्चों, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे वो बहुत ही सरल और उदार मना व्यक्ति थे। जो भी उनके पास वर्धमान, ये एक जगह का नाम है जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहां पर जो भी उनके पास आता था वो उनकी तन मन धन से खूब सेवा किया करते थे, सहायता किया करते थे। एक बार की बात है, रात के समय वर्धमान स्टेशन पर एक यात्री गाड़ी आकर रुकी। एक कोट पैंट धारी व्यक्ति हाथ में एक ब्रीफकेस लिए डिब्बे के गेट पर खड़ा होकर कुली कुली की आवाज लगाने लगा। प्लेटफार्म पर उतरकर भी वह कुली कुली की आवाज लगाता रहा। तो ये एक इंसिडेंस दिया है। यहाँ पर एक पैसेंजर, जो गाड़ी होती है, वर्धमान स्टेशन पे आकर रुकी थी और उसमें से एक कोट पैंट धारी व्यक्ति, जिसने कोट पैंट पहने हुए थे, वह वहां पर उतरा और उसके हाथ में एक ब्रीफ केस था जो कि डिब्बे के गेट पर खड़ा होकर के कुली कुली की आवाज लगा रहा था। कुली बोलते हैं जो सामान को उठा करके लेकर जाता है। तो वो उसको बुलाने लगा। गाड़ी से उतरने के बाद प्लेटफॉर्म पर भी वह कुली कुली की आवाज ही लगाता रहा। अब इसके बाद क्या हुआ? स्टेशन बहुत छोटा होने के कारण वहां कोई कुली नहीं था, क्योंकि जो स्टेशन था वो बहुत ज्यादा छोटा था, इसलिए वहां पर कोई कुली नहीं था। आगंतुक यात्री आवाज लगाए जा रहा था, तभी सामान्य वेशभूषा वाले एक सज्जन के पास आए। उन्हें देखने के साथ ही यात्री ने कहा, कहाँ थे अब तक, मैं कब से आवाज लगाए जा रहा हूँ? उसने कहा, बाबूजी, मैं आपका सामान ले चलूंगा। तो क्या हुआ, जैसे ही वो व्यक्ति आवाज लगाए जा रहे थे, क्योंकि स्टेशन बहुत छोटा था वहां पर कोई कुली भी नहीं था, तो उसकी आवाज को सुनकर के एक साधारण, एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सी ड्रेस वाले एक व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति उनके पास आए और उन्होंने उनसे कहा, जो आगंतुक थे जो वहां पर कोट पैंट पहन करके आए थे, वो उन्होंने उनसे कहा कि मैं कब से आपको आवाज लगाए जा रहा हूँ, आप अभी तक कहाँ थे? तो वो जो सज्जन व्यक्ति थे उन्होंने उनसे कहा कि बाबूजी, मैं आपका सामान ले चलूंगा। उस आदमी ने सूटकेस को सिर पर रखा और आगे आगे चल दिया। उसने आगंतुक व्यक्ति से पूछा, बाबूजी, आप क्या पहली बार यहाँ आए हैं? तब उस आगंतुक व्यक्ति ने कहा, हाँ, एक विशेष व्यक्ति से मिलने आया हूँ, आगंतुक यात्री ने उत्तर दिया। अब उन्होंने पूछा, किससे बाबूजी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से, क्या तुम उन्हें जानते हो? अब जो आगंतुक व्यक्ति था उन्होंने उनका नाम बताया कि मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से मिलने के लिए आया हूँ, क्या आप उनको जानते हो? हाँ बाबूजी, मैं आपको अभी उनके घर पहुंचा देता हूँ। थोड़ी दूर चलकर उस आदमी ने एक मकान के बरामदे में सूटकेस रख दिया, फिर जाकर कमरे से एक कुर्सी ले आया। तो वो जो व्यक्ति थे उन्होंने उनको ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के घर पर पहुंचा दिया, क्योंकि वो उनको जानते थे, और वो उनका सूटकेस बरामदे में रख करके एक कुर्सी लेने के लिए चला जाता है। उसने आगंतुक व्यक्ति से कहा, बैठिए, मैं ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर हूँ, कहिए क्या काम है। अब वो जो व्यक्ति थे जो सूटकेस उठा करके लेके आए थे, उन्होंने उस व्यक्ति से कहा जो वहां पर आए थे,
कि बैठिए, चेयर उनको दी, कुर्सी उनको दी और उनसे कहा कि बैठिए, मैं ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर हूँ, बताइए क्या काम है। उस आदमी के मुंह से यह सुनकर वह व्यक्ति उनके चरणों में गिर गया, बोला, मैं तो आपके चरणों की धूल माथे पर लगाने आया था, परंतु मैंने अपने सूटकेस की धूल आपके सिर पर लगाने का अपराध कर डाला। वह आंसू बहाने लगा। जो व्यक्ति था उसको बहुत दुख हुआ यह जान करके कि उसने जिस व्यक्ति से सूटकेस उठवाया था वह व्यक्ति और कोई नहीं ईश्वरचंद विद्यासागर है, और इस बात को सोच करके वह पछतावा करने लगा, रोने लगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बस भविष्य में अपना काम स्वयं करने में कभी संकोच मत करना। ऐसा कहकर ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने उसे गले से लगा लिया। अब जो ईश्वरचंद विद्यासागर जी थे उन्होंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं है, आपने ऐसा किया, लेकिन आप कभी भी भविष्य में अपने काम को करने में कभी भी संकोच मत करना, कभी भी हिचकिचाहट मत करना, अपने काम को खुद ही करना। इतना कहकर ही जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे उन्होंने उसको गले से लगा लिया। तो बच्चों, ये एक स्टोरी थी जो हमें यह संदेश देती है कि हमें अपने काम को करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। बच्चों, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न ये है कि जो सूटधारी व्यक्ति था, आगंतुक था, वो कौन से स्टेशन पर आकर उतरा। इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।